ियल्स माई नेम इी एंड आई एम हेयर विद ने पार्ट ऑफ सफेस केमिस्ट्री जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि इस वीडियो को हम लोग क्लासीफिकेशन ऑफ कोलाइट्स के थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करने वाले हैं मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइट्स के फर्स्ट टू पॉइंट्स हम ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिसके लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है है, उनके लिए एक सा रिवीजन हम कर लेते हैं कि इसके फर्स्ट टू पॉइंट्स हम लोगों के थे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ कोलाइट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इन्फ्लेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जेड मीडियम

जो अफेक्शन रखते हैं वो किस टाइप का कोलाइट फॉर्म करते हैं एंड जो नहीं अफेक्शन रखते हैं वो किस टाइप का फॉर्म करते हैं इन सारे पॉइंट्स पर हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स मीन पार्टिकल्स के साइज पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था क्यों क्योंकि कुछ स्मॉल डिस्पर्स सॉरी कुछ हमारे पार्टिकल्स uh, थे जो होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर रहे थे कुछ हाइड्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर रहे थे एंड कुछ कोलाइट फॉर्म कर रहे थे है ना तो जो कोलाइट फॉर्म कर रहे थे उसमें भी थ्री टाइप्स थे हमारे पार्टिकल्स के तो उसमें फर्स्ट पॉइंट था हमारा मल्टी मल्टीमोलिकुलर मीन्स बहुत सारे मोलिकुल्स को जब हम लोगों ने एग्रीगेट किया तब हमारे कोलाइट का फॉर्मेशन हुआ मैक्रोमोलिकुलर मैक्रोमोलिकुलर मतलब जो नेचुरली मॉलिकुलर साइज में थे कोलाइट्स फॉर्म करने के लिए एंड एसोसिएटेड कोलाइट्स एसोसिएटेड कोलाइड बिल्कुल ही डिफरेंट फॉर्म है इसका कोई भी इन साइज से मतलब नहीं है पार्टिकल की ये एसोसिएटेड कोलाइड अगर नहीं होता तो शायद आज हम लोगों की लाइफ में सोप डिटर्जेंट या फिर कोई भी क्लिनजिंग एजेंट जो क्लीजिंग एक्शन परफॉर्म करता है ऐसा कोई भी क्लिनिंग एजेंट हमारी लाइफ में नहीं होता अगर एसोसिएटेड कोलाइड्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता तो ये पार्टिकल्स ऑफ साइज पे डिपेंड नहीं करता है ये कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कोलाइड्स की ठीक है ओके okay. तो चलिए हमारे फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं विच इज मल्टी मल्टीमोलिकुलर कोलाइट तो मल्टी मल्टीमोलिकर कोलाइट सबसे पहले हेडिंग क्लियर कर लीजिए मल्टी मतलब बहुत सारे मोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल्स मतलब बहुत सारे मोलिक्यूल्स का कोलाइट दैट इज कॉल्ड मल्टी मोलिकुलर कोलाइट ओके तो इन दिस टाइप ऑफ कोलाइट कोलाइडल पार्टिकल्स आर एग्रीगेट ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स मतलब ये टाइप ऑफ कोलाइड जो है इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं हमारे दे आर एग्रीगेट एग्रीगेट मतलब ग्रुप ठीक है दे आर एग्रीगेट ऑफ एटम और स्मॉल मॉलिक्यूल या तो ये एटम्स के ग्रुप हैं या स्मॉल मॉलिक्यूल्स के ग्रुप हैं अब ये ग्रुप किस लिए गाइस मैंने आपको कोलाइड्स uh, की स्टार्टिंग में ही ये बताया था कि कोलाइडल पार्टिकल का साइज कोलाइड्स फॉर्म करने के लिए

तो इसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं एंड आई होप आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ओके okay, तो सल्फर सॉल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कंटेनिंग अ थाउजेंड और मोर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स ओके तो सल्फर सॉल जो हम लोगों का होता है सबसे पहली बात कि जिस भी एलिमेंट के आगे या किसी भी सब्सटेंस के आगे वर्ड के आगे अगर सॉल लगा है तो मतलब हम लोगों की बात कोलाइडल सॉल्यूशन से हो रही है ठीक है

गोल्ड सॉल का भी यही था गोल्ड सॉल के जो एटम्स होते हैं उनका सिमिलर साइज नहीं होता है इसी वजह से क्या हुआ कि गोल्ड सॉल जो थे उनका एग्रीगेशन करवाना पड़ा ठीक है इन दीस कोलाइड्स कोलाइडल पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वंडर वाल फोर्सेस ओके अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वंडर वाल फोर्सेस मतलब कि इन कोलाइड्स में कोलाइडल पार्टिकल्स जो थे जो एग्रीगेट हो रहे थे जैसा कि मैंने अभी कहा कि एग्रीगेट करवाया गया है ना तो जो एग्रीगेशन करवाया गया वो करवाया गया वॉन्डरवाल मतलब एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से जो एंगेजमेंट हुआ या जो एंगेजमेंट रहा वो वॉन्डरवाल फोर्सेस की वजह से रहा ठीक है तो आपको क्लियर हो गया मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट एस मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैक्रोमोलिकुलर कोलाइट मतलब कोलाइट जो कि ऑलरेडी कोलाइडल फॉर्म सॉल्यूशन फॉर्म करने की रेंज में थे ठीक है uh, जिन वो कोलाइडल पार्टिकल्स जिनका साइज वन नैनोमीटर से वन थाउजेंड नैनोमीटर के बीच में था वो है हमारे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइट इन दिस टाइप ऑफ कोलाइट कोलाइडल पार्टिकल्स आर देम सेल्फ लार्ज मॉलिक्यूल्स

पॉ리스टायरीन नाइलॉन, प्लास्टिक सिंथेटिक रबर वगैरह ठीक है एंड पॉलीएथिलीन आल्सो ओके तो एक और चीज की अब क्योंकि यहाँ पर पॉलीमर्स वर्ड आ गया है तो पॉलीमर्स जितने भी हैं वो सारे हमारे कोलाइड्स ही होते हैं ठीक है ओके okay. तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज एसोसिएटेड कोलाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई रियली really, uh, इंसिस्ट कि आप ये पॉइंट सबसे ज्यादा फोकस करके पढ़ें क्योंकि अगले दो तीन टॉपिक्स सिर्फ इसी पॉइंट से बनने वाले हैं एसोसिएटेड कोलाइड से हम लोगों के अगले टॉपिक्स होंगे मिशेल्स मिशेल फॉर्मेशन मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन उसके बाद हाइड्रोफिलिक पार्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट क्लिनिंग एक्शन ऑफ सोप एक्सेट्रा वो सब इसी से रिलेटेड है या फिर यू कहें कि उन सब में सिर्फ इसी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ठीक है ओके okay. तो एसोसिएटेड मिशेल्स, ओके तो ये बात सबसे पहले तो एसोसिएटेड कोलाइड्स या फिर मिशेल्स कह लें उन्हें जो बच्चों को पता है कि मिशेल्स क्या होता है वो तो बहुत अच्छी बात है और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि मिशेल्स जब हमारे एसोसिएटेड कोलाइड्स हायर कंसेंट्रेशन पे होते हैं उस सॉल्यूशन को हम लोग मिशेल्स कहने लगते हैं ठीक है ठीके? और इसी का यूज करते हैं हम लोग लो, शोप फॉर्मेशन में डिटर्जेंट फॉर्मेशन में या फिर यू कह लें कि क्लिनिंग एक्शन ऑफ सोप में क्लिनिंग एक्शन ऑफ जो सोप होता है वो मिशेल्स की वजह से ही होता है ठीक है ओके okay. तो दीज आर सम सब्सटेंस व्हिच व्हिच इज एट लो कंसंट्रेशन बिहेव्स एज नॉर्मल स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स ओके तो ये वो सब्सटेंस हैं जो एट लो कंसंट्रेशन ये सिर्फ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं मीन्स अगर हम इनको पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये अपने इंडिविजुअल आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं बट एट हायर कंसेंट्रेशन दे एग्जिबिट कोलाइडल बिहेवियर लेकिन हायर कंसेंट्रेशन पे क्या होता है ये कोलाइडल बिहेवियर एग्रीगेट करने लगते हैं क्यों क्योंकि जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोएगुलेट हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली बॉन्ड हो जाते हैं ठीक है ओके ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट ओके द एग्रीगेट पार्टिकल्स दस फॉर्म आर कॉल्ड मिशेल एंड जो हमारे पार्टिकल्स एग्रीगेट होते हैं दे आर कॉल्ड मिशेल्स, ठीक है क्लियर हो गया आपको आगे बढ़ते हैं अब ही पढ़ लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मिशेल्स टेक प्लेस ओनली अब पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर ओके ये जो क्राफ्ट टेम्परेचर बर्ड हैटेंट है ये आपसे एम सी क्यू पूछे जाने के चांसेस ट्वेल्थ एम सी क्यू पूछे जाने के चांसेस एट्टी परसेंट हैं एंड क्रिटिकल कंसंट्रेशन ये दोनों ही पॉइंट आपसे पूछे जाने के चांसेस एम सी क्यू में एट्टी परसेंट हैं एंड अगर एम सी क्यू में नहीं पूछे जाते हैं तो जो बच्चे जेई और नीट को टारगेट कर रहे हैं वो लोग इस पॉइंट पर जरूर ध्यान दें क्योंकि ये दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट आपसे जरूर पूछा जाता है ठीक है ओके okay. तो फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स टेक प्लेस ओनली अ पर्टिकुलर कॉल्ड क्राफ्ट कॉल्डरेचर तो मिसाइल का जो फॉर्मेशन होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ही होता है जिसको हम लोगों ने नाम दिया क्राफ्ट टेम्परेचर ठीक है अब पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन भी रहती है उसकी मिशेल्स के फॉर्मेशन के लिए वो पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन थी हमारी क्रिटिकल मिशेल कंसेंट्रेशन ठीक है आप ये दोनों पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा ओके अब क्या हुआ कि ऑन डायलूशन जो हमारे मीन्स एसोसिएटेड कोलाइट जो होते हैं वो इंडिविजुअल एंड सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो होते हैं वो इसी वजह से एसोसिएटेड कोलाइट से फॉर्म किए जाते हैं जैसा कि आप ये सफेक्ट सफेक्टिन मॉलिक्यूल देख भी पा रहे होंगे इसमें एक पार्ट ये होता है हमारा और एक पार्ट ये होता है इस सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे डीप में अपने नेक्स्ट वीडियो में तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर दें एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड